तो मुसाफिर स्क्वाड हम लोग कर रहे हैं हमारा संडे ड्राइव इस संडे को, यानी कि 21 मार्च 2021 को। सबसे पहला मीटअप पॉइंट है गुड़गांव टोल प्लाजा से पहले जो सबवे पड़ता है, खाने वाला नहीं, जहां पर आप लोग रोड क्रॉसिंग वाला जो चीज होता है वहां पर हम लोग मिलने वाले हैं। 6:30 बजे का टाइम है। सेकंड मीटअप पॉइंट है अपोजिट राव होटल, जो हमारा ओल्ड राव होटल है उसके पास हम मिलेंगे। और फाइनल डेस्टिनेशन है हमारा बाला किला अलवर। थोड़ा सा ड्राइव जो लंबा है, करीबन 3 से 4 घंटे का ये ड्राइव रहने वाला है, तो जितने भी ज़्यादा लोग आएंगे उतने लोगों को मज़ा आएगा। बाकी आई नो कि बहुत ज़्यादा लोग ज्वाइन नहीं कर पाएंगे क्योंकि ड्राइव बहुत ज़्यादा लंबी है, लेकिन स्टिल आप लोग अगर इसका पार्ट बनना चाहते हो, फेसबुक में हमारा पेज है मुसाफिर स्क्वाड, वहाँ पर गोइंग में क्लिक करो और हम लोगों का जो है इसके साथ में पार्ट बनो। सारी इन्फॉर्मेशन के लिए फेसबुक में पेज मुसाफिर स्क्वाड और इंस्टाग्राम में मुसाफिर 78। मुसाफिर की इस वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूले। सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद इस बेल आइकन को दबाकर हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाए। तो आइए देखते हैं मुसाफिर की ये वीडियो। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस, आप लोग देख रहे हो मुसाफिर की एक और नई वीडियो। और आज हम लोग आए हुए हैं बैंगलोर में, और बैंगलोर में बहुत सारी रिक्वेस्ट जो है लोगों की मेरे पास रहती थी कि भाई अपनी गाड़ी को जो है हम लोग तैयार करना चाहते हैं, अपनी गाड़ी को फुल एसेसराइज कराना चाहते हैं, कहाँ पर आके हम लोग बैंगलोर में करा सकते हैं। तो विथ एसोसिएशन विथ हाइपरसोनिक जो है हम लोगों को ये मौका मिला है कि हम लोग आप लोगों के लिए एक स्पेशल स्टोर जो है उसके बारे में आज बता सके। ऊपर आप लोग नाम पढ़ पा रहे हो पूरा AS ऑडियो, जो कि आप लोगों का JC यानी कि आप लोगों का जो जर्नलिस्ट वाला पूरा ये लेन है जहाँ पर सारा गाड़ियों का काम होता है, वहाँ पर हम लोग आए हुए हैं। और आज जो है आप लोगों को कुछ ज़बरदस्त और अच्छी वाली चीज़ें दिखाने वाले हैं, तो स्टे ट्यून फॉर इट। किन का ये स्टोर है उनसे मिलवाऊंगा, साथ ही साथ में जितने भी लोग प्लान कर रहे हैं कि उनको हाइपरसोनिक चाहिए स्पेशली कर्नाटका पूरी बेल्ट के अंदर, तो उनको जो है हमारे होलसेलर जो है वही मिल जाएंगे। और अगर आप डीलर बनना चाहते हो तो आप लोगों को डीलर बनने का भी ऑप्शन मिलेगा। तो करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट और सब लोगों से जो है आप लोगों को जो है रिस्पॉन्स भी दिलवाएंगे और साथ साथ में क्या काम करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। I'm dreaming you and I on the darkest fears are coming outside. We got a billion races, we got this melody, and you can trust me, baby, we got everything. Call me whenever you feel alone, babe, and when you need to cry, I'll be by your side. Call me whenever you need someone, babe, and when you need to escape from a thousand fires, I'm gonna kiss you wherever you are, and I'm gonna miss you, I will never lie. Call me whenever you need someone, babe. We're running in the jungle of love. हम लोग जो है अपना पहला स्टीरियो जो बैंगलोर में है वो हम लोग इंस्टॉल करने वाले हैं। और जो गाड़ी है ये गाड़ी कौन सी है भाई? सर ये फोर्ड एस्पायर है। फोर्ड एस्पायर गाड़ी है और बैंगलोर में इसका इंस्टॉलेशन होने वाला है। क्या क्या इसमें हम इंस्टॉल कैसे होगा एक बार समझा दो सर। इसमें अभी ना ये मैनुअल सिस्टम आया हुआ है MP5, ठीक है, MP3। इसके अंदर आप अपना ब्लूटूथ और अपना USB वगैरह लगा के अपना नॉर्मल सिस्टम चला सकते हो, ठीक है। स्टेयरिंग कंट्रोल कंपनी ने दी है इसके अंदर, ठीक है। हम इसमें लगाएंगे 9 इंचेस का एंड्रॉइड हाइपरसोनिक का विद सेम फिनिशिंग में, हाई ग्लोस फिनिशिंग में। अच्छा, हाई ग्लोस फिनिशिंग में मिल जाएगा जी। और प्लस स्टेयरिंग कंट्रोल भी चालू करके देंगे गाड़ी का, स्टेयरिंग कंट्रोल भी होना जाएगा, ठीक है। तो भाई एक बार इंस्टॉलेशन करते हुए दिखाते हैं इसका प्रोसेस जो है खोलने का वो कैसे होता है। बहुत ईजी है, पहले हमने इस पैनल को खोलना है, यहाँ स्क्रू होते हैं, वो स्क्रू हटेंगे ये पैनल बाहर आ जाएगा, उसके बाद इस पैनल के सामने दो स्क्रू होते हैं इसको बाहर निकाल देंगे, इसलिए बहुत ईजी है। चलो भाई इसका एक बार प्रोसेस आप लोग चेकआउट करो फिर आपसे और बातचीत। ठीक, इसका कपलर कौन है? कपलर लाओ सर, कपलर। कैंटीन पिन भी लगा हम लोगों का जो स्टॉक वाला स्टीरियो है, ठीक है, उसको हम लोग उतार चुके हैं, वो कुछ देखने में आप लोगों को ऐसा सा देखने को मिलेगा। अब ये है हमारा जो हम लोग हाइपरसोनिक इसमें इंस्टॉल करने वाले हैं, ठीक है। आप लोग इसको एक बार चेकआउट कर लो, अगेन इट्स 9 इंचेस वाला गोरिल्ला, पूरा आप लोगों का गोरिल्ला ग्लास वाला जो है आप लोगों का ये स्टीरियो होता है। और इंस्टॉलेशन जो है इसमें, अगेन ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है बहुत ईजी है, लेकिन अगेन अगर आप इसको आराम आराम से कराओ तो ज़्यादा अच्छी चीज़ रहेगा। क्वालिटी आपका स्टॉक फ्रेम की करेक्ट,
गाइस आप लोग इसको इजीली जो है इसमें आप डिफरेंस जो है देख सकते हो। यहाँ पर आप लोगों की वायरिंग भी है, साथ में जीपीएस भी है, साथ में पूरा एंटीना वाला चीज़ है जिससे आपका एफएम भी नॉर्मली चलेगा, और इसके अंदर जो आप लोगों का मैप चलता है उसमें जीपीएस जो है वो परफेक्ट तरीके से काम करेगा। तो एक बार इसका इंस्टॉलेशन करके दिखाओ कैसे इंस्टॉल होगा, इंस्टॉल करके दिखाओ जी। ठीक है, सबसे पहले वायरिंग जो है वो होता है सारा कपलर टू कपलर होगा, दिस इज आर ओरिजिनल कपलर, और ये है हमारा जो हाइपरसोनिक का कपलर होता है। हमारा जो कपलर होता है अगर कुछ भी ऑल्टरेशन होगा तो वो हमारे कपलर में होगा, आपका जो कपलर ओरिजिनल है वो ओरिजिनल ही रहेगा। ठीक है, और कर दो इसको एक बार इंस्टॉल करके दिखा दो ऑडियंस को, पहले से लगा के दिखाओ। ठीक है, देर ही हो, और अब जो होगा वो इसमें होगा, उस तरफ में जो है आपकी ओरिजिनल वायरिंग और आपकी वारंटी जो है वो रह जाती है। तो इसको ऐसे देखो भाई, इंस्टॉल किया, वेरी नाइस। अब सारा जीपीएस जो है वो आपके साइड पिलर्स में डलेगा, और बैंगलोर में हम लोग ये पहली वीडियो शूट करेगा, आई होप कि उसको आप लोग जो है अच्छे तरीके से अप्रिशिएट भी कर पाओगे। और यहाँ पर हमारा एंड्रॉयड जो है वो ऑन हो चुका है। जो स्टीरियो हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं, एक बार मैं उसका पीछे का आपको बैक साइड भी दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा हाइपरसोनिक का ही जो है, पी सोनिक भी एक कह सकते हो आप, सब ब्रांड है, और साथ ही साथ में GT9 भी है। अगेन कॉस्टिंग वाइज जैसा आपको रिलायबिलिटी चाहिए हो उसके अकॉर्डिंग आप लोग इसको लगवा सकते हो। अगेन पी सोनिक और GT9 जो है इट्स अ पार्ट ऑफ हाइपरसोनिक। ठीक है, और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें बैक कैमरा इसमें था, इसको भी स्टीरियो में कन्वर्ट करेंगे, साथ में जीपीएस भी इंस्टॉल करेंगे, और सारा प्रोसेस जो है वो आप लोगों के सामने होते हुए देखने को मिलेगा। इसी के साथ में हम लोग इसमें डालने वाले यूएसबी एक्टिवेटर। क्या फायदा है भाई यूएसबी एक्टिवेटर का? सर ये देखो, इसके अंदर ना कंपनी ने ओरिजिनल यूएसबी पोर्ट दिया है। ठीक है, ये देखिए, देख रहे सर, हम इसको यहाँ कनेक्ट कर देंगे अपने एक्टिवेटर को इस जगह पे। ठीक है, वो चालू हो जाएगा। अच्छा, वो हमारा ओरिजिनल ही ऑन हो जाएगा, तो आप लोग एक बार चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, यही जो है हम लोग इसको इनेबल कर देंगे, वो इस तार से होगा। तो एस्पायर में जो हमारा पूरा सेटअप है वो तैयार हो चुका है। सबसे पहली चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जितना भी इसमें आप लोग चीज़ें देख रहे हो वो पूरा आप लोगों को जैसा आपका OEM स्टाइल में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, वैसा ही इंस्टॉलेशन इसके अंदर हुआ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जहेब। ठीक है, जोहेब भाई हमारे साथ है जिन्होंने इसको पूरा इंस्टॉल किया, और इसी के साथ में जो इसके माउंटेड कंट्रोल्स है वो भी परफेक्ट तरीके से जो है इस पर काम करते हैं। अगेन मैं आप लोगों को इसके फीचर्स भी समझा दूंगा। ये जो स्टीरियो है ये है पी सोनिक, जो कि पार्ट है हाइपरसोनिक का, जैसे मैंने आपको बताया GT9 भी हाइपरसोनिक का है और पी सोनिक भी जो है वो हाइपरसोनिक का ही है। और साथ में अगर आप इसका इंटरफेस देखते हो, लुक सुपर नाइस, और टच का रिस्पॉन्स अगर आप लोग देखना चाहो तो इट्स सुपर स्मूथ। वर्किंग वाइज जो है वो अगेन बहुत अच्छा है ये, और थोड़ी सी आवाज़ जो है हम कम कर देते हैं। ठीक है, और अगर आप लोग इसमें क्वालिटी देखना चाहो, अगेन फ्रॉम द लेफ्ट साइड, फ्रॉम द लोअर साइड, अपर साइड, कहीं से भी अगर आप लोग देखते हो तो आप लोगों को कहीं पर भी डिस्टॉर्शन या पिक्सल की कोई दिक्कत या रेजोल्यूशन की कोई दिक्कत जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। अगेन ट्रैक अगर आप चेंज करना चाहो यहाँ से हो सकता है, आवाज़ बढ़ाना चाहो तो यहाँ से आपकी आवाज़ बढ़ जाएगी, और अगर आप लोग चाहो तो आप लोगों का जो है मोड वाला ऑप्शन जो है वो आप लोगों को यहाँ से मिल जाता है। तो मोड वाले में आप लोगों का जो है ये PIP वाले ऑप्शन में भी आप लोगों को इसके साथ में मिल जाएगा। साथ ही साथ में अगर आप लोग ऊपर से नीचे की तरफ में करते हो तो इसमें आप लोगों को पूरा जैसे आप एक एंड्रॉयड फ़ोन को यूज़ करते हो सेम फीचर जो है वो आप लोगों को इसके अंदर मिल जाते हैं। और यहाँ से अगर आप लोग चाहो तो अपनी वीडियो को बंद भी कर सकते हो। ऑन द राइट साइड आप लोगों का ये पूरा जो है ये एक थीम है, आप थीम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। जब गाना प्लेयर होगा इसमें दिखेगा डेट और वो जो पूरी इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। और आगे की तरफ में अगर आप और जाते हो गूगल मैप इसमें आप चला सकते हो, और यूट्यूब भी चला सकते हो। तो बैक कैमरा एक बार दिखा दे ऑडियंस को। ठीक है, तो चला दो एक बार, देखिए को। सो ये बैक कैमरा जो है पहले यहाँ पर लगा हुआ था, इसको हमने इधर डायरेक्ट कर दिया, एंड इट लुक्स सुपर डुपर नाइस, अच्छा लग रहा है, अच्छा लुक भी आ रहा है, बढ़िया लग रहा है। इंस्टॉलेशन में कितना टाइम लग जाता है? कम से कम इंस्टॉलेशन में 15 से 20 मिनट लग जाता है। 15 से 20 मिनट, अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड अगर कैनवस लगना होता तब थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। कैनवस लगना पड़ेगा तो थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, सो इंस्टॉलेशन जो है कम्प्लीट हो चुकी है। आई होप कि आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा। आप लोगों को मैंने आज एक ओवरलुक दे दिया है जो कि इंस्टॉलेशन हुई है बेंगलुरु में, और अगर आप में से कभी भी कोई आ रहा है तो आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा पहला इंस्टॉल जो है वो कम्प्लीट हो चुका है, और अभी हम लोग है JC रोड में। हमारा जो आप लोग रिकमेंडेशन अगर आना चाहो तो कार डिज़ाइन, और यहाँ पर AS ऑडियो जो है जो कि हाइपरसोनिक के आप लोगों को सारे प्रोडक्ट्स के साथ देखने को मिलेगी। तो अगर आप कभी विजिट कर रहे हो तो सारे एंड्रॉयड जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। नीचे आपको रिटेल का काम मिलेगा, ऊपर आपका पूरा होलसेल वाला है। तो पहली गाड़ी जो हमने ये कंप्लीट कर लिया, आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। दूसरी गाड़ी जो हम करने वाले हैं पोलो है यहाँ पर, और एक बार भाई बताओ पोलो में हम लोग क्या करने वाले हैं, एक बार समझा दो ऑडियंस को। पोलो में 9 इंच स्टीरियो लगेंगे अपने ये वाला। ठीक है, 9 इंच का स्टीरियो, इसके अंदर ऑलरेडी एक स्टीरियो लगा हुआ था वो किसी और ब्रांड का सर। ठीक है, हाइपरसोनिक का स्टीरियो लगाएंगे। ठीक है, इसमें हाइपरसोनिक जो हम इंस्टॉल करने जाने वाले हैं इसके पैनल के साथ में। ठीक है, मैं आपको पैनल इसका रख के दिखाता हूँ, बिल्कुल स्नैप फिट आएगा। ये बिल्कुल स्नैप फिट है क्योंकि हाइपरसोनिक के सारे प्रोडक्ट जो है वो आप लोगों को फुल स्नैप फिट मिलेंगे।
इट लुक्स सुपर डुपर नाइस लगने के बाद आपको दिखाते हैं। क्या इसमें कैनवस भी लगाया जाता है? बिल्कुल लगेगा, ये रहा कैनवस इसका। कैनवस एक बार चेकआउट करा दो, ठीक है। ये इसकी कंप्लीट वायरिंग है, ये पूरी कंप्लीट वायरिंग और कैनवस जो है इसका, ये इसका कैनवस है और ये इसके एंटीना पिन है, ठीक है। तो भाई मतलब पूरा फुली लोडेड है, फुली लोडेड है। तो अब जो है प्रोसेस इसमें स्टार्ट हो रहा है और इंस्टॉल होते हुए आप लोग देखो। ये वाला जो हमारा स्टीरियो है ये मेरा दूसरा भाई इंस्टॉल कर रहा है, नाम बताइए। जावेद पाशा। जावेद भाई मेरे साथ है। जावेद भाई जो है हाइपरसोनिक का स्टीरियो लगा रहे हैं, इससे पहले पी सोनिक जो कि हाइपरसोनिक का ही सब ब्रांड है, साथ में GT9 भी है, और इसको जो हम इंस्टॉल कर रहे हैं 216 की इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। इट लुक्स सुपर डुपर नाइस। पीछे आप लोगों को पूरा का पूरा जो है इस पर लिखा हुआ जो है हाइपरसोनिक मिल जाएगा। दिस फ्रेम लुक्स रियली नाइस। ये आप लोगों को मैट फिनिश में मिलता है और कहीं ना कहीं जब लग जाएगा तब लुक बड़ा बढ़िया आएगा। तो करते हैं भाई इसको इंस्टॉल। हम लोग बैठे हैं पोलो के अंदर और पोलो के अंदर हम लोगों ने इंस्टॉल किया है हमारा हाइपरसोनिक का ये एंड्रॉइड जिसकी कॉन्फ़िगरेशन है 216। और अभी देख रहे हो आप लोग जो पूरा इसका लुक है, ओवर लुक है, बड़ा ज़बरदस्त है। सबसे पहली चीज़ कैनवस जो है वो 100% वर्किंग है, ठीक है भाई। आप लोगों को जो है ये चीज़ दिख जाएगी, साथ में अगर वीडियो चेंज करेंगे वो भी चीज़ आप लोगों को पता चल जाएगी। लाइट का जो पूरा का पूरा इसमें आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, डोर खुलता है तो डोर की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। और साथ में ही अगर हम लोग इसकी मेन सेटिंग देखना चाहें तो हमारे साथ पीछे भी है कार सेट। गए कार सेट में, हमने खोला फ्यूल में गए और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, आप लोग को एक एक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मिल जाएगी, ठीक है। किस चीज़ का आ रहा है अभी सबसे ज़्यादा? सर ये आपका फ्यूल रिमेनिंग हो गया, ठीक है। टेम्परेचर हो गया आपका, वो पावर होगी बैटरी की, ठीक है। ये बेल्ट आपकी अभी नॉर्मल या लगी नहीं लगी हुई, ठीक है। पैसेंजर साइज और ड्राइवर साइड के लिए, ठीक है। ये ट्रंक हो गया, डिग्गी ओपनर, ठीक है। और ये ब्रेक, हैंड ब्रेक आपकी जो है वाइपर वॉशर वगैरह के लिए। ये RPM आ रहा है आपका, RPM बढ़ाओ, ठीक है। यहाँ स्पीड कितनी चल रही गाड़ी की और यहाँ पे आपकी कितने किलोमीटर चल चुकी है, चलिए। और यहाँ ये साइन आ गया आपका कि डोर कौन सा खुला है। चलो भाई ये पूरा जो है बड़ा जबरदस्त पूरा फीडबैक के साथ आप लोगों से शेयर कर रहे हैं हम लोग। और रिवर्स गियर भी जो है इसमें हम लोग डालने वाले हैं, ठीक है। तो आई गेस सॉरी, ये आप लोगों की गाड़ी में दबा के ऐसे लगता है, फोक्सवैगन गाड़ी में। पीछे कैमरा चल गया और सेंसर बजर वाले वो काम कर रहे हैं, ठीक है। और इसी के साथ में जो इसका स्टीयरिंग का रिस्पांस है, नहीं वो इसमें नहीं है, इस वाले मॉडल में नहीं होता, ठीक है। एडेप्टिव जो है वो इसके अंदर नहीं काम करता जैसे बताया गया, ठीक है। ये आ गए हम अपने नॉर्मल मोड के अंदर। ये है हाइपरसोनिक का स्टीरियो, इसको एक बार इंस्टॉल करके आप पूरा दिखा दीजिए, उसके बाद इसमें एक वीडियो मैं आप लोगों को बहुत अच्छी सी प्ले करके दिखाऊंगा, ठीक है। सब कुछ चीज़ें जो है इसमें ऑलरेडी लग चुकी है, GPS से लेके सब चीज़ें। ठीक है, इसको फिट कर दीजिए आप। अभी इसमें सिल्वर पैनल लगेगा? हाँ सिल्वर पैनल लेके आएगा, हाँ वो मंगा रहे हैं सिल्वर पैनल, इसको लगा देते हैं फिर आपसे बात करते हैं। फाइनली गाड़ी जो है वो पूरी आप लोगों को दिखाने के लायक हो चुकी है। यहाँ पर मैंने ये वाली फिल्म उतार के इधर लगा दी थी, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों के लिए एक वीडियो मैं यहाँ पर प्ले कर रहा हूँ। यहाँ पर हमारा कैनवस जो है वो 120% बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जो है आपको काम करता हुआ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। देख लो भाई आप। और वीडियो क्वालिटी के बारे में अगर आप बात करो, अगेन वेरी प्रीमियम क्वालिटी जो है आप लोगों को इसमें देखने को मिलेगी, ठीक है। इसी के साथ में अगर आप लोग चाहो तो इसमें आपको अलग अलग मोड्स भी मिल जाते हैं जिसको आप अपने अकॉर्डिंग जो एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। लाइटिंग का जैसे हमने यहाँ पर ऑन किया वहाँ पर आपको लाइटिंग की चीज़ जो है देखने को मिल जाएगी जैसा आप देख पा रहे हो, ठीक है। और इसी के साथ में अगर आप लोग बात करते हो टच के बारे में, तो अगेन जैसा हम बोलते हैं कि भाई हाइपरसोनिक से बेस्ट कोई टच है नहीं, और एंड्रॉयड की मार्केट में अगेन हाइपरसोनिक इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। आप लोग को एंड्रॉयड फ़ोन की तरह इसमें भी मैप मिलता है, इसके अंदर रेडियो मिलता है, इसके अंदर ब्लूटूथ मिलता है, और हर तरीके की सेटिंग मिलती है जो आज के टाइम पे आप लोगों के लिए नीडी है। साथ ही साथ में जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि इसके अंदर आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन जो है आप लोगों की कैनवस वाली भी इसके अंदर प्रोवाइड हो जाती है, ठीक है। साथ में आप लोग अगर इसको फिर से ओपन करते हो कार सेटिंग, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये आप लोगों की एक्सटर्नल जो डिजिटल पावर एम्पलीफायर की सेटिंग होती है वो यहाँ से आप लोग पूरा कंट्रोल कर सकते हो, जो आपका ओरिजिनल में आता है, ठीक है। तो भैया और मैं जो है सुबह से पूरी आप लोगों के लिए सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, तो थोड़ी सी भाई थक जाते हैं, लेकिन स्टिल वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि आपके लिए अच्छी तरीके से कुछ ला सके। वी आर शूटिंग दिस वीडियोस, दो दिन का हमारा शूट है, मोस्ट प्रॉब्ली आप लोगों के लिए कुछ प्रोडक्टिव चीज़ हम जरूर लेके आएंगे। और बाकी आप लोगों ने सब चीज़ों का रिस्पॉन्स देख लिया, एंड आई होप कि आप लोगों को इसका एक ओवर लुक और एक ओवर व्यू जो है वो मिल चुका है। तो अब जो है आप लोगों ने सारी चीजें मैंने आप लोगों को समझाई, सब चीजें मैंने जो आप लोगों को बताई भी है। तो अभी हम लोग जो है अल्ताफ भाई के साथ है,
तो अलता भाई एक बार मैं चाहूंगा कि आप अपनी ऑडियंस को जरूर बताओ कि अगर कोई बैंगलोर में प्लान कर रहा है कि उसको हाइपरसोनिक का कोई भी तरीके का स्टूडियो चाहिए या फिर वो चाहता है कि उसको प्रोडक्ट चाहिए अवेलेबल कराने हैं तो उसने आना कहाँ पर सबसे बताइए। ये आना है जेसी रोड में आना है, कर्नाटका बैंगलोर में है जेसी रोड फर्स्ट क्रॉस में, इसको आके फिटिंग कराना है। ये तो होलसेलर है, ठीक है, रिटेल होना तो यलंगा में भी है अपना, ठीक है, या होलसेल है जेसी रोड में आके आप फर्स्ट क्रॉस में फिटिंग करा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप रिटेल करना, रिटेल मतलब अपनी गाड़ी में कुछ लगवाना चाहते हो तो वो आप लोगों को चॉइसेस जो है मिल जाएगी। साथ ही साथ में अगर आप होलसेल करना चाहते हो यानी भैया के पास आके आप सामान जो है बल्क में खरीदना चाहते हो या उस तरीके की कोई भी चीज़ है तो उसमें भी आपको गाइड कर देंगे। यहाँ पर आपके पार्किंग सेंसर्स हो गए, आप लोगों की LED हो गई, HID हो गई, आप लोगों के बैक कैमराज हो गए, आपके IPS के प्रोजेक्टर हो गए, आपके नॉर्मल कोएक्सियल स्पीकर्स हो गए, साथ में आपके एंड्रॉयड हो गए, टेस्लाज हो गए, जो भी मतलब आप लोग चाहते हो कि आप लोगों को मिले तो वो आप लोग जो आके ज्वाइन कर सकते हो। और साथ ही साथ में आज जो है हमारी पूरी ओपनिंग वाला जो है पूरा माहौल अभी आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, हम लोग बैंगलोर में हैं और आई गेस कि हम लोग जितना अच्छे तरीके से आपको बता सकते थे हमने बताया और जितने भी ओपनिंग की मेन मेन चीज़ें थी, झलक थी, वो हमने आपके साथ शेयर की है। एक चीज़ और बताइए भैया कि हाइपरसोनिक के प्रोडक्ट कैसे लगे आपको, अगर आप पसंद है तो उसमें डील करते हो। हाइपरसोनिक और पायनियर है, हाइपरसोनिक एकदम बढ़िया है, उसका परफॉर्मेंस अच्छा है, उसका क्लैरिटी अच्छी है, उसकी ये रेंज अच्छी है, उसका जो FM मेन जो FM का है ब्लूटूथ का है, क्लियरेंस बहुत अच्छा है इसका। और आफ्टर सर्विस भी उसमें मिलती है आप लोगों को, आफ्टर सर्विस मिलेगी पूरी। चलो भाई बहुत अच्छी बात है और आई गेस कि आप लोगों को जो है मैं जितने यहाँ के बारे में बता सकता था मैंने एक आइडिया दिया है और आगे देखते हैं कि वीडियो में कहाँ पर हम लोग चलते हुए जो है और चीज़ें आप लोगों को दिखाते हैं। गाइस आपने आज जो एस्पायर देखी और एक हमने आप लोगों को पोलो भी दिखाई, तो एस्पायर जो हमारे सर की थी, तो सर कैसा एक्सपीरियंस लगा पहले तो जो स्टीरियो आपकी गाड़ी में लगा? जी माशाल्लाह सर, बाजार में तो बहुत सारे एंड्रॉइड सिस्टम आके हैं अभी, मगर ये जो परफॉर्मेंस है इसका जो देखा मैं डेमो में तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। इसके अंदर जो भी क्लैरिटी है, जो जैसे कि फ़ोन जैसा यूज़ कर सकते हैं उस तरह यूज़ हो रहा है और क्लियरेंस अच्छा है, देखने में वीडियो अच्छी नज़र आ रही है, तो इसलिए मैं भी यही डालेंगे डिसाइड करके आज अभी फिट किया। तो गाइस नेक्स्ट डे में हम लोग पहुंच चुके हैं कार डिज़ाइन कार एसेसरीज वाला जो हमारा स्टोर है, इस पर हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पर जो है हम लोग आप लोगों को एंड्रॉइड की सीरीज़ दिखा देते हैं, ठीक है। अल्ताफ भाई भी हमारे साथ, अल्ताफ भाई पर हेलो बोल दो सबको। हेलो, ठीक है। तो आज जो है हम आप लोगों को ये इनोवा में जो है एंड्रॉइड जो है वो इंस्टॉल कर रहे हैं, ऑलरेडी एंड्रॉइड लगा था उसको हटा के जो है हम लोग हाइपरसोनिक लगा रहे हैं। और अगर आप लोग देखोगे जो कल आपने देखा था, ठीक है, यहाँ पर भी आप लोगों को पूरी बैजिंग जो है वो देखने को मिल जाएगी। और अगर आप लोग स्टोर में विजिट करते हो तो हाइपरसोनिक की HID हो गई, आप लोगों की Psonic का स्टीरियो हो गया या हाइपरसोनिक का स्टीरियो हो गया, GT9 का स्टीरियो हो गया, वो सब आप लोगों को यहाँ फुली लोडेड मिल जाएंगे। HID, LED, पार्किंग सेंसर, रियर सेंसर्स, आप लोगों की स्क्रीन्स अगर आपको चाहिए ये सब चीज़ जो है यहाँ पर मिल जाती है, इवन IPH भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये फुली रेंज जो है यहाँ पर रेडी है। बाकी एक बार हम लोग इनोवा में जो है इंस्टॉलेशन कर रहे हैं आप लोगों को दिखाता हूँ, फिर लास्ट में एक ओवरव्यू लेंगे। सो गाइज यहाँ पर है आप लोगों का स्टीरियो जो कि हम लोगों ने इंस्टॉल कर दिया, ये Psonic का जो है आप लोगों को स्टीरियो देखने को मिलेगा। अगेन आप लोगों को हाइपरसोनिक का जो सब ब्रांड है यानी कि Psonic और GT9 जो है उसकी इंस्टॉलेशन इसमें हमने करी है। कौन से ईयर का ये जो भैया गाड़ी है पहले ये बताओ? 2009 मॉडल है ये। तो इसमें होता क्या है नॉर्मली जब इसको आप परचेस करते हो, इसके साथ हमें ये फ्रेम भी खरीदना पड़ता है पूरा? हाँ, इसमें सर होता क्या है, ये जो मॉडल है 2010 से पहले की जो इनोवा है, ठीक है, उसके अंदर हमें ये और ये तीन पार्ट भी चेंज करने पड़ते हैं। कौन कौन से फिर से बताओ? एक ये AC लूवर राइट का हो गया, AC लूवर का लेफ्ट का हो गया ग्रिल, ठीक है, और ये नीचे का पार्ट हो गया, ठीक है, ये हमें चेंज करना पड़ता है। बीच का ये हम लोग पूरा देते हैं, ये हम पूरा देते हैं ऑटो AC मैनुअल AC दोनों के हिसाब से, ठीक है भाई। इसी के साथ में स्टीरियो के बारे में बात करोगे, कितने इंचेस में हमें मिल जाता है? 9 इंचेस का ही है। क्या इसमें 10 इंचेस इंस्टॉल हो सकता है? नहीं, 9 इंच लग सकता है। फ्लोटिंग डिस्प्ले लगा सकते हो 10.25 इसके अंदर आप, ठीक है। तो भाई एक बार आवाज़ जो है वो कम करते थे, एक बार आप वीडियो क्वालिटी इस पर चेकआउट कर लो, ठीक है, कहीं से भी आप लोगों का कोई पिक्सल या रेजोल्यूशन की प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है, वेल इंस्टॉल्ड। और कहीं ना कहीं जो है आप लोगों को एक इंटरफेस वाला लुक जो है वो देखने को इसमें मिल जाएगा पूरा। तो आप लोगों ने पूरी हमारी जो बैंगलोर वाली वीडियो वो देख ली, आई होप कि आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा। सो आप लोगों के लिए एक जो कहते हैं ना कि भाई हमने डिस्ट्रीब्यूशन वाला स्टोर जो है वो ओपन कर दिया है, वो वहाँ पर जो है आप लोगों का रिटेल भी कर रहे हैं, अगर आप लोग चाहो तो जाके एंड्रॉइड लगा सकते हो। भाई और मैं ही गए थे जब हम लोगों ने उस स्टोर की जो है पूरी ओपनिंग वाला जो है आपको साथ शेयर किया, और अल्ताफ भाई है जो वहाँ का ध्यान रखते हैं। हम लोग दिल्ली वापसी आ चुके हैं, अपनी गाड़ी के अंदर बैठे हुए, बस हमने सोचा कि वीडियो जो है वो दिल्ली आके एंड करें। प्रिंस भैया थोड़े कामों में भी उलझे हुए हैं, उनको फ्री होने देते हैं, उनसे भी आप लोगों को बात कराएंगे। ऐसी हमारी बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूशन है जो हम कोलकाता और इन सब जगहों में जो है ओपन करने वाले हैं आने वाले टाइम पर, आप लोगों के पास वीडियोज़ हम लोग अच्छे से लेके आएंगे, ठीक है।
लोगों का एक क्वेश्चन और था कि भाई यार हमको दिखाना कि कहां कहां पर आपके स्टोर्स है, तो उसके ऊपर भी एक आने वाले टाइम पे वीडियो हम लोग जो अच्छी तरीके से बनाएंगे, ठीक है। और इसको खोलने से क्या पता थोड़ी लाइटिंग बेटर हो जाए, आप लोग बता देना बाकी, ठीक है। बाकी अगर वीडियो इस पॉइंट तक देखा है लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। नंबर जो फ्लैश हो रहे हैं वो हाइपरसोनिक क्लब के है, यानी हमारे जो करौलबाग अपना मेन हेडक्वार्टर है उसके है। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आप लोगों को अल्ताफ भाई के नंबर्स पे मिल जाएंगे, आप लोग वहाँ के कांटेक्ट कर सकते हो। बहुत इजी है, कोई भी हसल नहीं है, प्यार से सब कुछ काम हो रहा है। बस अगर इस पॉइंट तक वीडियो को देखा है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, और फेसबुक में मुसाफिर स्क्वाड, मुसाफिर 7811, इंस्टाग्राम में, सब जगह फॉलो कर लो और ऐसे प्यार मोहब्बत बना के रखो। ये आप लोगों का जो है विद कोलैबोरेशन विद हाइपरसोनिक है, और हाइपरसोनिक इज डूइंग अ रियली ग्रेट जॉब। तो करते हैं आज की इस वीडियो को एंड, सो टिल देन कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।